द कैपरिल फॉर्स्ट द कॉन्टेंट्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रजेंट इन द कैपरिल दैन द एनिमल लाइफ इन द कैपरिल एंड द लोकेशन ऑफ कैपरिल इन द वर्ल्ड सो फर्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स प्रेजेंट इन द कैप्रिल तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कैपरिल की इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं दे आर वेरी सिवियर सो सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब ये है कि प्लान्स को मोस्टली थ्रोट दीयर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है कुछ प्लांट्स हैं जो शर्ब्स हैं दे कैन सर्वाइव लेकिन ज्यादातर प्लांट्स होते तो हैं उनके सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा सो द प्लांट्स हैव गॉट सम अडेप्टेशन तो प्लांट्स के अंदर कुछ अडेप्टेस जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं उन्हीं अडेप्टेस की बेस के ऊपर जब इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑप्टिमम होंगी तो प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे दे विल ग्रो वो फास्टली ग्रो करेंगे और अपने जो है वो फोटोसेंसिस तो करेंगे या फिर उसके अलावा जो है वो सीड प्रोडक्शन या बाकी जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन सवियर हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे दोबारा से या वो डॉर्मेंट लाइफ जो गुजारना शुरू कर देंगे इट मीन्स लॉन्ग समर के लिए डॉर्मेंट लाइफ जो है वो प्रेफरेबल है फॉर दी दैपटल प्लांट्स सो अब प्लांट्स को उनकी रिकवरी या उनके वे ऑफ लाइफ के जैसे दो तरह टाइप्स जो दो मेन कैटेगरीज में रखा गया है द फर्स्ट वन आर द स्प्राउटर्स एंड द सेकेंड वन आर द सीडर्स स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग आपको पता है कहते हैं कि किसी भी जैसे हमारे जो प्लांट है जैसे बारे पोटैटो होते हैं तो पोटैटो के ऊपर आलू के ऊपर जो बर्ड्स जब निकलना शुरू हो जाती है तो कहते हैं इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है सो so, यानी अगर कोई ऐसा अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का जिसमें यह ख़ास टाइम के ऊपर जाकर उसमें दोबारा जा जो है वो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाए उसको हम कहते हैं स्प्राउटिंग जो वो अच्छा जो स्प्राउटर्स हैं दे आर एक्चुअली हैविंग द मैरी स्टैम्प यानी अंडरग्राउंड स्टैम्स होते हैं उनके अंदर अब स्प्राउटर्स जो हैं दे आर हैविंग अंडरग्राउंड स्टैम्स सो नॉर्मली इन अंडरग्राउंड टाइम्स के अंदर जो होते हैं वो फूड इज़ स्टोर्ड फूड स्टोर रहेगा यानी जैसे ही ऑप्टिमम कंडीशन आर देयर फूड जो है वो मैरिज टाइम्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है देन द सवीर कंडीशन जब सवीर कंडीशन आएँगे तो अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ जाए रुक जाएगी और आसा आस्ता जाए वो नॉर्मेंट कंडीशन के अंदर प्लांट चला जाएगा देन वेन द कंडीशन अगेन ऑप्टिमम जब दोबारा कंडीशन ऑप्टिमम होंगी तो फिर क्या करेंगे जो फूड स्टोर किया उस प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा से क्या करेंगे रीजनरेट करेंगे और प्लांट दोबारा से वो ब्लूमिंग स्टार्ट कर देगा यानी कि तो इस तरह से ये एक अंडरग्राउंड स्टेम रखकर जो सवियर कंडीशन के अंदर जो है वो सर्वाइव करने का एक मेथड है सीडर्स सीडर्स आर सेकेंड कैटेगरीज ऑफ प्लांट इन द कैपरल सीडर्स जो हैं दे नॉर्मली प्रोड्यूस सीड्स एंड द सीड्स आर दे आर स्प्रेड ऑल अराउंड द कैपरल इन्हें सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पूरे बायोम के अंदर जो फैल जाते हैं अब ये सीड्स जो है जो खुद से जर्मिनेट नहीं करते हैं बल्कि जब वहाँ जब फायर होगी तो फायर की वजह से अल्टीमेटली जो सीड्स जो हैं दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग तो यही इसकी क्या खास बात यह होगी कि इनकी जर्मिनेशन जो है देर इंड्यूस्ड बाय द फायर तो जब फायर होगी तो उसके बाद इसकी रीज़न ये होगी कि जो सीड्स होंगे ऊपर से जो उसके हार्ड कवरिंग जो है मौजूद होगी तो जब फायर होगी तो फायर की वजह से क्या होगा कि जो सीड्स की आउटर कवरिंग है उसको जो है ये तक जो इस काबिल होगी कि उसके ऊपर जो उसमें से सीड वो जर्मिनेट कर सके सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं टायोन चैमाइस पॉइजन ओक स्क्रब ओक एंड द यूका एंड द दोमैक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वो प्लांट्स जो दे आर प्रजेंट इन दैपरल्स सो हेयर इट इज़ अ सोमैक तो सोमैक का आप देख सकते हैं एक श्रबी प्लांट है और बाकी आप लैंड एरियाज को देख सकते हैं कि इसके अंदर नॉर्मल जो है ड्यू टू सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन द ट्रीज आर मिसिंग जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रब्स या फिर कह सकते हैं कि जब वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो ग्रॉसेज दे आर प्रेजेंट इन दिस लैंडस्केप आर इन दिस द बायोम सो एनिमल लाइफ एनिमल लाइफ ऑफ कैप्रल इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टिवरेट्स इनवर्टिवरेट्स में मेनली इंसेक्ट्स आर देयर इंसेक्ट्स अच्छा इंसेक्ट्स के लिए देखें तो ऑल टाइप्स ऑफ बायोम दे हैव इंसेक्ट्स जिन्हें अगर हमें कोई कहता है कि अच्छा आप ट्रा की बात करें अगर हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात करें Uh, आप जब डिस फॉरेस्ट की बात करें डेजर्ट की बात करें कैपरल की बात करें या ग्रास लैंड की बात करें आपने सिंपली आल टाइप्स ऑफ बायोम दे हैव सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स तमाम के अंदर जो है वो प्लांट लाइफ या एनिमल लाइफ जब भी हम लिखेंगे हम उसके अंदर इंसेक्ट्स the जो है उसको शामिल करेंगे सेकेंड देन द वर्टीब्रेड सर आर सौ इन द कैपरल कैपरल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडेंट्स हैं यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडेंट्स के अलावा इसमें रैबिट्स हैं रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल्स में बड़ा सा लिजर्स स्नैक्स आर देयर एंड सिमिलरली दरलार्ज हरबी वोर्स में अगर हम देखें तो म्यूल डी डियर्स आर आल्सो देअर द लोकेशन ऑफ कैपिल्स अच्छा कैपिल की अगर हम बात करें तो जैसे हम जानते ये बड़ा स्केटेड हमारे पास बायो में और पैचज के फॉर्म में मौजूद है सो इट इज़ प्रजेंट इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइट स्टेट्स द यूनाटेड स्टेट्स ऑफ साउथ अमेरिका यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट जो साइड है उसके ऊपर जो है मौजूद है इसी तरह से यूरोप का जो मेडिटेन सी है तो मेडिटेनिन का जो इलाका है उसकी जो साइड्स के ऊपर जो है वो कैप्रल मौजूद है वेस्टर्न स्ट्रिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न साइड होगी उसके ऊपर जो मौजूद है इस तरह से जो वो हमारे पास यानी कि जो मेडिटेन एरिया जो इसके अंदर ज्यादातर जो है वो जो कैप्रल है वो मेडिट्रेनिन के ऊपर मौजूद है सो यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं द कैप्रल कैप्रल जो है पहली बात हमने कहा कि इट इज प्रेजेंट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वेस्ट बैंक के ऊपर मौजूद है इसी तरह से बिल्कुल साउथ अफ्रीका के बिल्कुल एंड के ऊपर अगर हम देखें तो यहां मौजूद है हमें इस तरह से यहां हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न बैंक्स के ऊपर मौजूद है जबकि मेनली कैपरिल इज प्रेजेंट इन द मेडिटेरेनियन रीजन तो मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी है इसके साइड्स के उत्तर उतरा के ऊपर थ्री साइड्स के ऊपर हमें जा वो कैप्रिल बायोम जो है वो एग्जिस्ट करता हुआ